प्याली में, इनको पीना नहीं आता। हाय गाइस, वेलकम टू AM लाइफस्टाइल। मेरी जो है वो तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डेंगू हो गया था मुझे, उसकी वजह से व्लॉग बिल्कुल नहीं बना सके। तो जो है बिल्कुल मैं बेड पे थी और कुछ किया नहीं जा रहा था, और मामा भी मेरे पीछे लगी हुई थी। तो बस घर में सब बिज़ी थे, तो कोई व्लॉग नहीं बना सके, आपसे इन टच नहीं रह सके। तो जो है वो आज थोड़ी मैं बेटर फील किया मैंने, तो जो है मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं। और जो कल व्लॉग आया है वो भी पहले का था वो व्लॉग, तो उसी को मैंने एडिट करके, क्योंकि मैं बीमार होने से पहले एडिट करके डालना था तो नहीं डाल सकी थी, तो फिर मैंने उसको एडिट करके डाला। बार के ऊपर मैं इनको रखती हूँ, नहीं तो ना इनको और क्या रहा। वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा बच्चा, ओ नेल बड़े चुभ रहे हैं बाहुबली। उधर खेलते हैं ज्यादा जाके ना। क्या करते हैं ये बाहुबली? अब बाहुबली की बारी है भाई। सिम्बा ने पी लिया, बाहुबली पिएगा। ओ बेचारा, गिरा दिया आपने। मैंने थोड़ा ही गिराया, खुद गिरते हैं सारा दिन 10 दफा। ऊपर खुद ही सांस लेता है, थोड़ी देर में रोक के देती हूँ। पड़ेगा नहीं, इतने से नहीं मैंने लाती। उस दिन तो दूध में सो रहे थे, लेट लेट के अपने आप को चाट रहे थे। प्याली में इनको पीना नहीं आता। ठहर जा, एक में कोशिश करती हूँ। पेट भर गया बेटे, वहां कोई ना आपको पेटी। पेट भर गया। तो अभी जो है वो आपने देखा है बाहुबली और सिम्बा को, के उसको मामा ने दूध पिलाया है। बस रूटीन ऐसे ही चल रही है, और जो है मामा रोज़ बस इनको दूध पिलाने में लगी हुई हैं, क्योंकि आजकल जो है वो प्लांटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, प्लांटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि मौसम बदल गया है। वो बात मामा आपको खुद बताएंगी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कि प्लांटिंग किस मंथ में होती है, कैसे होती है, अभी क्यों नहीं हो रही। तो जो है बाकी जो है आप देख रहे होंगे कि दो हैं, बाहुबली और सिम्बा हैं, क्यारा नहीं है। तो इसका भी हम आपको बताएंगे कि क्यारा क्यों नहीं है और सिर्फ सिम्बा और बाहुबली ही क्यों हैं। तो वैसे ये दोनों बहुत एक्टिव हैं, खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम इनको बाहरी लॉन में रखते हैं, मतलब सुबह से शाम तक जब तक ठंड ना आए, ताकि जो है ये घूमते फिरते रहें और खुश रहें। तो अभी खुदा का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है, तो अब व्लॉग्स की तरफ दोबारा से एंटर होंगे। और अभी मैं टेस्ट करवाऊँगी डेंगू का, जिससे पता चले कि अब नेगेटिव हो गया है कि नहीं। तो
तो दुआ कीजिएगा कि नेगेटिव हो जाए। वैसे आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, ये देखिए मुझे दाने भी हो गए हैं, उनकी वजह से ही हुए हैं डेंगू की वजह से। तो दुआ कीजिएगा कि नेगेटिव हो जाए। वैसे मेरे फेस से तो लग रहा है कि अब मैं एक्टिव हूँ, अब जो है वो मतलब कि नेगेटिव हो गया होगा। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे।